मुझे वो प्रोविजन बता दे लॉ में यहाँ पे लिखा है, आपको पता ही हो रहा है मैडम, यू आर नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी, वन थिंग। सेकंड थिंग, अंडर रजिस्टर्ड इन लेटर यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू गो टू डिटेल्स। अगर आपका तहसीलदार फर्द बना के दे रहा है, पटवारी महकमा को चेक करके दे रहा है, दे आर गोइंग की पार्टी हुई है नहीं हुई है, जगह कैसे बिकी, हाउ कम यू आर इंटरवीनिंग द मैटर। और फिर आप पार्टीज को ये बोलते हैं कि मैं आपको देखूंगी, मैं आपके वो भी बनवा देती हूँ, मैं आपके एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनवा दूँ। वाई आप क्यों पार्टी का डायरेक्टर हो रहे हैं? इज देयर एनी अंडर हैंड डील? इज देयर एनी अंडर हैंड डील? व्हाई यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद द पार्टीज? और बोल लीजिए, आपको और क्या बोलने जो हमारी आपका ये एटीट्यूड है ना, इसकी वजह से हम यहाँ पे बताएं ये इलीगल एक्टिविटीज आप करना बंद कर दें। जो आपको कानून के तहत इख्तियार है वो फॉलो करें, उसके तहत अपना काम करें। इलीगल एक्टिविटी क्या हुई है? आपके एक लॉयर उस दिन फ्राइडे को मेरे ऑफिस में आए थे, उन्होंने इतनी ज्यादा बदतमीजी की, लिमिट क्रॉस की, बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहे थे। मैंने लॉयर को, मैंने कानूनी आपने चलना है लॉ के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन एक्ट पे, रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या कहता है, यू आर नॉट गोइंग टू सी द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या हम कायद को रूल पढ़ने पहले पता क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनना मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स होते ना, तो सुप्रीम अगर मुझे पता लग रहा आप बहरी हो तभी मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होती है, बहस तो जहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या बोलते हैं, जज साहब क्या बोलते हैं, अगर कोई उनको वीडियो तो जज वकील को पूछते हो, इसमें हमें क्लियर क्लैरिटी कर देंगे। मेरी बात सुन ले, अगर कहीं हाई कोर्ट में पहले सुन ले, हाई कोर्ट में पहले सुन ले, पहले सुने मैडम, पहले सुने मैडम, पहले आप मजिस्ट्रेट नहीं हो, देखिए
रजिस्ट्रेशन करा ले जब एसडीएम एसडीएम लिखा करें आपको डाउट में आई एम परफॉर्मिंग ड्यूटी एज अ सब डिविजन हमारे पास बड़ा काम है हमारे पास इतना काम है आपको पता नहीं है मजबूरी पड़ी है मैडम सुने आपको कोई डाउट होगा हमारे पास इतना काम है मेरे साथ सुनने मेरी बात मेरे साथ 20-22 जूनियर काम करते हैं काइंडली लिसन मी मेरे साथ 20-22 जूनियर काम करते हैं मेरी बात समझे क्या काम करते हो क्या काम था कानून का आपका पता नहीं काम क्या करते हो खैर हमारे छोड़ो हमें पता जब आप सब रजिस्टर बनते हो तो आप ढूंढ के जाते हैं कि मैं सब रजिस्टर एसडीएम नहीं हूँ आप लेट वेट अ मिनट लेट मी कंप्लीट एसडीएम इज अ डिफरेंट पोस्ट सब रजिस्टर डिफरेंट पोस्ट अंडर सब रजिस्ट्रार यू आर जस्ट टू कम्प्लाई विद रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ाई का रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है उसका कानून पता है अगर मैं सुने आप सुने आप सुने आपको लीगली मैं लीगली लेकर बताऊंगा आप सुने मैडम आप सुने यू आर आशेबल यू आर आशेबल आप यहाँ पे हंगामा कर रहे हो
होना चाहिए। आपकी जहाँ गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, जहाँ बैठ के आप कहते हैं एडवोकेट स्टार्ट हुआ वो फ्राइडे इवनिंग की बात है। फ्राइडे आफ्टरनून को मेरे पास में एक रजिस्ट्री का केस आया जिसके अंदर एक सर्टिफिकेट था जो आज के टाइम पे इनवैलिड था। 2007 का सर्टिफिकेट बना था, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट। हमने कंसर्न्ड बंदे को बता दिया कि आपका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट गलत, वो 2007 का है, आज के टाइम का आपको प्रेजेंट डे का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें। उसके बाद वो कंसर्न्ड उनके लॉयर आ जाते हैं। पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था सर्टिफिकेट लाने में, बट उनको प्रॉब्लम ये हुई, वो बोलते हैं कि तू रजिस्ट्री करेगी तो इसी डॉक्यूमेंट पे करेगी, मैं नया नहीं लाऊंगा। मैंने कहा भाई आपको नया लाने की ज़रूरत ही नहीं है, नया हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना है, मुझे अभी व्हाट्सएप पे आ जाएगा, हम नया अपलोड करके उसके साथ में रजिस्ट्री करेंगे आपकी। तो परेशान किसी को होने की ज़रूरत नहीं, हमारा भी मसला सॉल्व, क्योंकि हम कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं चढ़ाना चाहते और आपको भी किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद में बोलते कि नहीं तू मुझे रिजेक्शन ऑर्डर बना के देगी, अभी के अभी मेरा केस रिजेक्ट कर।
ये वकील बोलता है वहाँ पे मुझे। मैंने कहा देखिए इस पे रिजेक्शन ऑर्डर नहीं बनता है, हाँ रिवर्ट अगर आप ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो मैं रिवर्ट कर सकती हूँ, लेकिन रिवर्ट अगर आप चाहते हैं मैं कर देती हूँ। मैंने उसी टाइम पे इनका डॉक्यूमेंट रिवर्ट बैक कर दिया विद द कमेंट्स कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इनवैलिड है, जो कि मैं लीगली करेक्ट हूँ उसे एज पर SRO मैं आप उसे मांग सकती हूँ क्योंकि मैं एज अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वहाँ पर काम कर रही हूँ। उसके बाद इस कंसर्न वकील मुझे बोलता तू मेरा केस रिजेक्ट कर। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो अगर किसी केस में रिजेक्शन होता है स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का क्लाइंट को नुकसान हो जाता है, 1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा, क्या तुम्हारा क्लाइंट एग्री है कि वो अपना नुकसान कराना चाहता है? इन्हें इन द मीन टाइम उनका क्लाइंट अंदर आता है तो उसको अंदर नहीं आने देता है, मेरे से बात नहीं करने देता है कि आप बात मत करो मैं खुद बात करूँगा। मैंने कहा नहीं, जब मुझे बोलते कि आप पार्टी से बात करने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, मैंने कहा जब मैं इनकी रजिस्ट्री हमने करनी है यहाँ पे, मैं इनका आधार पैन चेक करूँगी, इनका डॉक्यूमेंट मैं चेक करूँगी, फोटोग्राफ इनके मेरे टेबल पे यहाँ खिंचोने हैं तो मैं बात क्यों नहीं कर सकती हूँ? फिर मैंने उनको पूछा, वो सरदार जी थे, मैंने आया सिम सरदार जी बहुत पोलाइटली कि ऐसा ऐसा मैटर है, मैं आपको नया डॉक्यूमेंट ला के दे रही हूँ, आप अभी हम आपका रजिस्टर करेंगे लेकिन गलत डॉक्यूमेंट के साथ में, हम रजिस्टर नहीं करेंगे। वो एकदम से चिल्ले सरदार जी वो उस टाइम पे मान गए, बोलने के ठीक है मैडम हमने रजिस्ट्री करानी है, हमने कोई नुकसान नहीं कराना अपना, आप जैसे बोलेंगे हम करेंगे। मैंने उसको कागज़ पूरे दिखाए यहाँ पे कि ये इस तरह का डॉक्यूमेंट है। इन द मेन टाइम वकील ने उसे अपना डॉक्यूमेंट भी छीन लिया यहाँ से और वो बदतमीजी की लिमिट सारी क्रॉस कर गया उसने मुझे। मैं एक सिटिंग मजिस्ट्रेट भी हूँ, मुझे यहाँ पे बोलता है यू शट अप और हद से ज़्यादा बदतमीजी करता है, जो उसको वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए वो भी बोल के गया और बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर गया। जब इतनी हद हो गई और वो मेरे को इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर तू ये है तू वो है और तू तड़ाक से बदतमीजियाँ कर रहा है, जो इतना ह्यूमिलेटिंग जो बिहेवियर यहाँ पे जब उसने किया तो मेरे स्टाफ ने देखा, सारा स्टाफ भी अंदर आ गया, सारा मैटर CCTV कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे। अगर मैं गलत होती तो मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्डिंग किसी से गलत डॉक्यूमेंट क्यों मांगूंगी यहाँ पे? मेरे ऑफिस में आपको भी पता है कि जब भी रजिस्ट्री होती है यहाँ ऑन कैमरा होती है, उसके बियॉन्ड हम नहीं करते हैं। जो भी पार्टी आती सामने फोटो खींचा जाता है उसका। कंसर्न पार्टी को भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और कंसर्न वकील भी सामने देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। मल्टीपल केसेस मेरे ऑफिस में चलते हैं, एज सब रीजनल मैजिस्ट्रेट मैं रेवेन्यू कोर्ट के फैसले भी दे रही होती हूँ, एज सब रजिस्ट्रार मैं यहाँ साथ साथ में रजिस्ट्री भी कर रही होती हूँ, तो मेरा रोल जो है वो अलग अलग टाइप से यहाँ पे मुझे करना पड़ता है। उसी मैटर को लेके फिर जब उसने लिमिट क्रॉस कर दी उस दिन, तो मैंने पुलिस को बुला के उसके ऊपर FIR फाइल कर दी, CCTV कैमरे की पूरी फुटेज प्रोवाइड करा के। इसके बाद में क्या हुआ कि 2 दिन तक बाद में बीच में छुट्टी थी तो इनका पीछे से एसोसिएशन का शायद इनका कोई अपना कॉल रहा होगा या कुछ भी, आज ये सारे लोग इकट्ठे होके इंक्लूडिंग दैट लॉयर जिसने बदतमीजी की, ही वॉज बेसिकली टीजिंग यहाँ पे आके कि खुश हो रहा था, हंस रहा था। अगर आप CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग किसी ने देखी होगी तो कंसर्न वकील के फेस पे देख सकते हो, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि हम इसको यहाँ खड़े होके शेम ह्यूमिलेट ये वो सारा कुछ कर रहे हैं और बदतमीजी करते जाएंगे। आई टोल्ड देम कि आप कैमरे पे हैं, प्लीज़ अपनी बात को तमीज़ से रखिए, अगर किसी को बात करनी तो एक पर्सन एट ए टाइम बात करेगा, बाकी लोग बात मत कीजिए ताकि मैं सबकी बात सुन सकूं, मेरे से क्या परेशानी है आप मुझे बताइए यहाँ पे। जिन लोगों का मेरे साथ में कोई इशू नहीं भी था वो मुझे बोलते हैं तुझे तमीज़ नहीं है फीमेल वकीलों के साथ बात करने की। मैंने कहा मैडम आप आज पहली बार मेरे ऑफिस में आई हैं, कब मेरी इससे पहले आपसे बात हुई है? दूसरी मेरे को बीच में से बोलती है जितनी तू सैलरी लेती है उससे ज़्यादा हमारे सीनियर एडवोकेट साहब जो हैं वो अपने वकीलों को बांट देते हैं, ये ऑन रिकॉर्डिंग है सारा कुछ मेरे पास में। तीसरा बाहर निकलते टाइम इतनी गंदी गाली दे के जाता है, वो भी रिकॉर्डिंग पे है, वो आप सुन सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती दोबारा। इनका नंबर ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है ये किसी ऑनेस्ट ऑफिसर को अपनी चेयर पे बैठने से हटाएं यहाँ से आके, उसको अपनी लीगल ड्यूटी करने से जिसके लिए मैं ड्यूटी बाउंड हूँ उस चीज़ से मुझे पीछे करें। इनका नंबर ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं टेररिज़ हो जाऊँगी या मैं अपना ऑफिस छोड़ के चली जाऊँगी, इनकी वो इंटेंशन पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से इन्होंने यहाँ मेरे PSO ने इनको रोकने की कोशिश की। जब ये ऊपर तक कोर्ट रूम के ऊपर तक आने लगे PSO को धक्का मार के नीचे गिरा दिया, उनका इस टाइम पे ट्रीटमेंट भी चल रहा है बीच में, बाकी स्टाफ के साथ में भी धक्का मुक्की और बदसलूकी की है इन्होंने, ये बियॉन्ड टॉलरेंस है। कोई भी ऑफिसर, चाहे मैं भी एक लड़की हूँ, आई एम अ फीमेल ऑल्सो, मेरी तरह बाकी और लड़कियां भी जाती हैं, अगर मेरा ही ऑफिस सिक्योर नहीं है, मैं एज SDM ही सिक्योर नहीं हूँ, मैं क्या सिक्योरिटी एश्योर कर सकती हूँ किसी और फीमेल की अपने पूरे सब डिवीजन के अंदर? क्या मैं बाकियों के लिए लड़ सकती हूँ अगर मैं अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले पाऊंगी? दैट इज़ वाई आई टोल्ड देम कि मेरा FIR कभी भी विड्रॉ नहीं होगा, मैं अपने केस पे पूरी तरह से कायम हूँ, मेरा केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं भी आपके साथ लॉ कोर्ट में ही बात करूंगी, उसी दिन हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने जो साथ में मॉब आए मुझे ये बोलते हैं तुम बदतमीज़ हो इनकॉम्पिटेंट हो या जो भी कुछ इन्होंने बोला, वो बहुत कुछ बोल के गए हैं, वो आपने सब क्योंकि मीडिया के सभी लोग यहाँ पे थे, दे हैव ऑल रिकॉर्डेड दैट। जी ये बात ये हुई कि इस टाइम पे एक्चुअली कुछ वकीलों जिस दिन वो पिछले वकील साहब यहाँ पे आए थे उनको मैंने बोला था कि तमीज़ से बात करें, आपके कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है और हमारे कैमरे में ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है,
व्हाट दे डिड कि जिस टाइम पे ये लोग कमरे में धक्के मार के आए, जब इनको लगा कि सारे लोग हमने डाइवर्ट कर दिए आगे पीछे, इन्होंने मेरे कैमरे की वायर्स निकाल दी यहाँ से कि कैमरे में इंसिडेंट रिकॉर्ड ना हो। बट थैंकफुली यहाँ पे मीडिया और बाकी लोग भी थे, मेरे स्टाफ भी था, सारा कुछ रिकॉर्ड किया गया। सर ये हंगामा जो मैडम का एक इलीगल एटीट्यूड है अपने काम को लेके वकीलों के साथ, और जो उनका एक वर्क प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग, जो उनका एक इलीगल और अनएथिकल एटीट्यूड है उसके रिगार्डिंग हुआ है। पिछले बड़े दिनों से ये कंप्लेंट बार एसोसिएशन के पास आ रही थी कि जो एसडीएम गगवाल है वो सब रजिस्ट्रार गगवाल का भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, और जब वो सब रजिस्ट्रार गगवाल का काम परफॉर्म करते हैं तो वकीलों को बड़े गलत और बड़े रूड तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो मैं सो वकीलों को ये बोला, वकीलों की पार्टीज़ को उनके सामने ये बोला जाता है कि आपका वकील आपको मिसलीड कर रहा है, आप मेरे पास डायरेक्ट आ जाएं, मैं आपका काम डायरेक्ट करवा दूंगी। अगर आपका तहसीलदार कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना के देता है तो वो फलाना तहसीलदार मेरा बैचमेट है, मैं उसको फ़ोन कर देती हूँ वो बना देगा, आप डायरेक्ट मेरे पास आ जाएं, वकीलों की ज़रूरत नहीं है। अब एक वकील जिसने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया है, जिसको पार्टी ने, जिसके ऊपर ट्रस्ट डिपोज किया है, ही इज़ लीगली वाइंड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, और ये पब्लिक ऑफिस है, हाउ कैन शी स्टॉप एनीवन टू एंटर। जब वकील अंदर जाएगा उसको बोलेंगे आप डॉक्यूमेंट जमा करा दें, हम आधे घंटे बाद देखेंगे। मैडम चाय पीने जाएगी, दो घंटे बाद चाय पी के आएगी। अभी भी हम आए हैं 12 बजे, ऑफिस बंद था, बड़ी मुश्किल से हमने नॉक कर करके डोर खुलवाया, और अब मैं एलिगेशन ये लगाई कि दरवाज़ा तोड़ दिया गया। अभी भी आप जाके देखें दरवाज़ा एज इट इज़ है। तो जो इलीगल और थ्रेटनिंग एटीट्यूड, अभी हमारे सीनियर एडवोकेट्स अंदर बात कर रहे थे तो ये हमें बार बार एक थ्रेटन कर रहे थे। पहले उन्होंने थ्रेटन कराया अपने पीएसओ से, उसने गन कॉक की हमारे वकीलों पे, अगर नहीं कोई वकील उसकी नज़र पिक करता तो वो इट वुड हैव बीन फायर्ड। फिर ये हमारे वकीलों को दाड़ा मारती है, मैडम थ्रेटन करती है कि मैं आपके खिलाफ एफआईआर करवा दूंगी। ये कौन सा हथकंडा है कि हम एफआईआर करा देंगे? हम एक लीगल बात कर रहे हैं कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो कानून है उस कानून के तहत आपने डॉक्यूमेंट करना है। नहीं पढ़ना आता तो हम पढ़ा देते हैं, नहीं कॉपी हम दे देते हैं। इतनी सी बात बोलो तो मैडम भड़क जाती है। पता नहीं ये अपने आपको क्या समझता है कि हम कोई महारानी है। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो भी ऑफिसर यहाँ पे आए एटलीस्ट ही शुड बी ट्रांसफर इमीडिएटली, और जो भी ऑफिसर यहाँ पे आए वो थोड़ा सा लॉ नोइंग हो, जिसको लॉ की एबीसी तो आती हो, जिसको हम कुछ समझा सके। एज फार एज लॉ इज कंसर्न दे आर कम्प्लीटली इलिटरेट, कम्प्लीट अनपढ़ हैं ये एज फार एज लॉ इज कंसर्न। तो हमारी ये डिमांड है कि शी शुड बी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, और जो लॉ नोइंग अफसर है उसको यहाँ पे बिठाया जाए और एक सब रजिस्ट्रार की पोस्ट डिफरेंट क्रिएट की जाए। थैंक यू। ऐसे हो चुके हैं जना पूरी बार एसोसिएशन सांबा, कम से कम जो 100 वकील जहाँ मेरे यहाँ पे आए हुए हैं, एक अपना प्रोटेस्ट लेके जाओ। जब सभी वकला साहबान आए थे तो आगे देखा कि दरवाज़ा मेन जो दरवाज़ा बंद था जनाब। इससे पब्लिक ऑफिस जनाब, पब्लिक ऑफिस में जब भी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी होती है तो पब्लिक ऑफिस का दरवाज़ा हमेशा हर आदमी के लिए खुला होता है, चाहे कोई भी आए जा। मगर हम देख के हैरान रह गए कि दरवाज़ा बंद था, अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। हमने बड़ी कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, फिर हम थोड़ा दबाने की कोशिश की, मगर नहीं खोला दरवाज़ा। अल्टीमेटली कि हम दूसरी साइड से गए, फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, दूसरी साइड से बंद कर दिया। फिर जब पुलिस वाले आ गए और गन, उनका जो गन मैन था जनाब, उनका यहाँ पीएसओ था, उसने यहाँ बंदूक निकाल ली एडवोकेट पे। मेरा कहने का भैया मारने के लिए, अगर हम वो ऊपर नहीं करते तो हो सकता कोई टूबर्स इंसिडेंट हो जाता था। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने बोला ये पब्लिक ऑफिस है, ये आपका ऑफिस नहीं है, है जहाँ हर आदमी को फंडामेंटल राइट है इस ऑफिस में जाना, जब तक ये ऑफिस खुला जाना उसी पे जनाब। वैसा हमने ये कहा कि आप, अगर आपको कानून नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट भी जज साहब बहना है, वो भी कंसल्ट कर लेते हैं अच्छे अच्छे वकला साहब को अपनी उनकी लेने एडवाइस लेने के लिए। सभी करते हैं जनाब, कोई बात नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं है जनाब। तो मेरा भाई आप, अगर आपको नहीं है तो हम कानून दे देते हैं, हम आपको बता देते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या क्या देखना क्या नहीं। तो उसी पे जनाब बहस हो गई और धमकी देने लगी सभी विकला साहबान को, मैं एफआईआर दर्ज कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय है ये प्रॉपर नहीं है, इसका सिस्टम प्रॉपर नहीं है। अगर आपकी तरफ से भी अंदर गाली गलौज की गई, हमारी गाली गलौज हमने कोई करा, हमने कहा आपके, हाँ हमने कहा जब ऑफिस, हमने ये कहा कि आपके ऑफिस से आपके बाप का नहीं आना, ये कहा हमने, ये ऑफिस पब्लिक ऑफिस है, हमने जहाँ तक कहा ये ऑफिस पब्लिक ऑफिस है। इससे ज्यादा कहते हैं मेरा ऑफिस, मेरा ऑफिस कैसे, हमने ये कहा कि ऑफिस है आपका नहीं है, आपके घर का ऑफिस नहीं है, हमने ये कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जनाब। तो ऑफिस पब्लिक का है जनाब, इनके घर का ऑफिस नहीं, किसी के घर का ना, मेरे घर का ऑफिस है ना, इनके घर का ना, बुकला साहब के ऑफिस घर का है। ऑफिस हमेशा खुला होना चाहिए जनाब, हमें यही इस दुआ की कि ऑफिस का गेट क्यों बंद होना चाहिए जनाब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम क्या कहते हैं कि ऐसे जना, हम तो रजिस्ट्रेशन में हम तो आते नहीं हैं, मगर जब हालात आ गए तो हमें अपनी बार के साथ चलना होता है, अपने बार के साथ। अगर किसी भी बुकला साहबगान को प्रॉब्लम आए तो बार को आना चाहता, और हालात ऐसे बनते होते, एक बुकला साहब के 10-12 बुकला साहबगान के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, हर समय उनको जनाब प्रॉब्लम आती थी, और उनको हर समय जनाब क्रिटिसाइज होकर यहाँ से हरास किया जाता था। इसलिए हालात ऐसे बन चुके थे जनाब, हमें मजबूरी हालात में आना पड़ा।
तो मैं फिर बोलता हूँ ऑफिस जो है ऑफिस पब्लिक ऑफिस है, ना मेरे घर का है, ना इस सब रजिस्ट्रार के घर का है, ना किसी के घर का है। ऑफिस का दरवाजा 24 घंटे, हर कोई भी आदमी प्रोटेस्ट करने आ सकता है जनाब से। फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जनाब।